राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद में उसकी मौत हो गई थी, और उसके बाद में लगातार नेताओं और मंत्रियों का यहाँ आना सिलसिला इनका आना का जारी है। इसके साथ ही आज चिराग पासवान बिहार के युवा नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने परिवार के साथ में बैठकर बात की, स्कूल का दौरा किया जहाँ पर उसकी मारपीट हुई थी, उसके साथ में परिवार के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा और न्याय करवाने में उनकी मदद करेंगे। उसके साथ ही जो चंद्रशेखर आजाद है भीम आर्मी के चीफ, वो आज दूसरी बार जोधपुर पहुंचे, जोधपुर पुलिस ने उनको वहां रोक लिया है और वहां डिटेन कर लिया है। उनके उनको छुड़ाने के लिए और उनको जालौर आने देने के लिए भीम आर्मी के कुछ लोग है वो जिला मुख्यालय पर पिछले 4 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, हाईवे हैं, उसको जाम कर दिया है। उनकी एक ही डिमांड है कि हमारे चंद्रशेखर आजाद को जालौर में जो पीड़ित बच्चे के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी मौत हुई, उसके बाद में उनके जो परिवार वाले हैं उनसे मिलना दिया जाए, उसको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उनसे समझाइश कर रही है कि उनको आने दिया जाएगा, लेकिन उनकी एक ही डिमांड है, जब तक वो जालौर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये जो धरना प्रदर्शन है ये लगातार जारी रहेगा। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालौर।